हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारी न्यू डिवाइस, हमारा पार्सल आ चुका है, तो हम इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले इसकी जो ऊपर वाली शीट है इसे हटा देते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी खासी इसकी पैकिंग की हुई है। दराज की तरफ से मैंने ये पार्सल मंगवाया है प्रिंटर का। उसकी किस तरह हमने पैकिंग करनी है, उसके फंक्शंस क्या किए हैं, किस तरह उसकी जो भी चीज़ें हैं, हम सारा आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इसे फाड़ देते हैं, क्योंकि ये देखें इसके ऊपर टेप लगी हुई है। तो ये हो गया, ये ज़्यादा अच्छी वेल मैनर तो मैं हूँ नहीं कि इसे बहुत अच्छे तरीके से ओपन करूँ। तो ये फाड़ने वाले काम मुझे आता है तो मैंने ये कर दिया। यानी मैं तो ये आप देख सकती हैं पिग्समा MG2570S का, ये कैनन वालों का प्रिंटर मशीन है ये। तो यहाँ पे ये डिफरेंट है, ये तीन तरह के इसमें होते हैं। इसकी आप फोटो कापी भी इसमें करवा सकते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट इस तरह इसमें किसी भी तरह प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपने कलरफुल निकलवाने हो तो वो भी इसमें कर सकते हैं। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया एक पिन छोटी सी, उस पिन की वजह से अब खुलता है या नहीं खुलता, खुल गया। यानी वे यहाँ से भी हम कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो ये हमारा ओपन हो चुका है, हुआ नहीं अभी, हो रहे ओपन। तो यहाँ पे सबसे ऊपर उन्होंने ये इसको किस तरह, इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, ये सारा उन्होंने दिया हुआ है। ये आप देख सकती हैं इसका सारा प्रोसेस वगैरह उन्होंने इसी में दिया होता है। इसके अलावा इसमें ये एक डिब्बा है, इसके अंदर इंक्स हैं, इसकी कलर वाली भी है और इंक वाली दूसरी ब्लैक एंड वाइट भी है। इसकी वायर्स हैं जिससे कनेक्ट करना होता है डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। पावर बैंक है, क्योंकि पावर देनी हो दूसरा जो लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ हमने कनेक्ट करना हो, दोनों की वायर्स हैं इसमें। ये CD है जिसके ज़रिए हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। यो जा सिम सिम, ओपन हो जाएगा, ओपन नहीं हो जाएगा, निकल जा, उल्टाना ही पड़ेगा। चलो जी, इससे कुछ हो ना जाए, इसके कोई डिवाइस वगैरह हार्म ना आ जाए, लेकिन नहीं, इसके अंदर ये फोन वगैरह तो इजीली हैंडल हो जाएगा। एनीवे ये हमारा हो चुका है, आ चुका है, हमारा प्रिंटर खुल चुका है, कम्प्लीटली इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छा ये तो ये यहाँ पे हम इनके जो एंटर करते हैं पेपर्स वगैरह जहाँ पे रखते हैं ये है। यहाँ पे हम इनके किसी भी चीज़ को कॉपी करना हो, फोटो कॉपी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे रख के हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे ये उन्होंने रेड वायर दी है, वायर नहीं है, इसे हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने लगानी है अब इंक्स इंजेक्ट करनी है, इसके अंदर जो इंक है वो डालनी है। तो ये मैं आपको प्रोसेसर बता सकती हूँ, एक तरफ ब्लैक की है, एक तरफ जो है इसके कलरफुल इंक के लिए। तो ये हमारे पास ये इंक आ चुकी है, कलरफुल इंक है, इसे हमने खोल लिया। 4746S की ये इंक है। तो यहाँ पे जब हमने ये देख सकते हैं रेड जो वायर है हमने उतारी, तो यहाँ पे आपने हाथ नहीं लगाना, ये चिप के ऊपर आपने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि बाद में ये भर चलेगी नहीं। तो हमने क्या करना है, इसे जो कलरफुल वाली जगह है उसके अंदर आपने ये लगा देना है। लगाने के बाद आपने थोड़ा सा आगे करके उसे ऊपर को पुश करना है। जब पुश करेंगे वहाँ पर क्लिक की आवाज़ आएगी, जब क्लिक की आवाज़ आएगी तो मतलब इसके अंदर इंजेक्ट हो चुके, इनके इसके अंदर चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी है, ये ब्लैक है, 4745S की है ये। मैं दोबारा से बता रही हूँ, जब ये ओपन करें तो यहाँ पर आपने हाथ नहीं लगाना। तो ये भी हम इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे ब्लैक वाली साइड पे। आपने जब पुश करने आगे ले के जाना, तो उसे ऊपर की तरफ जहाँ पे आगे अटकेगा उसे ऊपर की तरफ आपने पुश करना है। पुश करने वहाँ पर क्लिक की आवाज़ आएगी। ये हमने अब बंद कर दिया, ये बंद हो चुके हैं। अब वो एक नीचे भी लगा हुआ है, हम उसे भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जब ओपन किया इसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, इसका कोई फ़ायदा नहीं, हम फेंक देते हैं इसे। ये जहाँ यानी कि ऊपर से आप पेपर डालेंगे तो यहाँ से ये देख सकते हैं, ये कंप्लीट सेटअप है इसका। नीचे जब पेपर आएगा तो इसका ये पोर्ट होगा उसके लिए। अब ये वायर्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमने कनेक्ट करना है इनको। तो सबसे पहले ये वायर हम ओपन कर लेते हैं, ये वायर मेरे ख्याल में ये पावर के लिए, प्रिंटर के पावर के लिए।
मेन सॉकेट बोर्ड में ही इनके, इसे लगाने के लिए ये पावर का, इसका जो है ना पावर का बटन वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। आपकी इंक वगैरह कम हो तो वहाँ पे येलो लाइट शो ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे पीछे कुछ है इनके, तो यहाँ पे एक साइड पे ना हम इसे कनेक्ट कर देंगे। इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी जो आगे इसकी शेप है, शेप के लिहाज से हम ये पीछे वाली साइड पे इसे कनेक्ट कर देंगे। इसमें वहाँ पे स्पेस है, तो ये हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो ये मेन सॉकेट बोर्ड में लगाने वाली वायर है। अभी कनेक्ट करने वाली किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करने वाली वायर ये हम बाद में लगाएंगे, पहले ये मेन जो है ना यहाँ पे जो इसका मेन पावर यानी कि सॉकेट बोर्ड में जो हम मेन वायर लगाएंगे ये उसके लिए वायर है। तो ये हमने वायर लगा दी। अब ये दूसरी वायर है, ये भी हम पीछे की तरफ यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये वायर है जो हम इसके दूसरी साइड जो है हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के साथ किसी भी डिवाइस के साथ हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम ये वायर है हम लैपटॉप या डिवाइस किसी भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी हम सेटिंग की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे कैनन की हमने वेबसाइट ओपन कर ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनन ऑफिशियल मैनुअल। अगर आपके पास डीवीडी है और डीवीडी के साथ आपके पास कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के साथ आपके पास वहाँ पे यानी कि इसे डीवीडी को अंदर लगाने के लिए कोई अपरेटस है आपके पास, तो आप उसके अंदर इंसर्ट करके सिंपल आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन मेरा लैपटॉप इस तरह के इसके यानी कि कहीं से भी हम डीवीडी में एंटर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन कर ली है, कैनन ऑफिशियल मैनुअल्स वेलकम। हमने ये ओपन कर लिया, तो यहाँ पे इस तरह का कुछ इसका सेटअप आ चुका है। तो यहाँ पे हम जाएंगे सेटअप के साथ, ये सेटअप इस बटन को हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब डिफरेंट उन्होंने पूछा हुआ है कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में है, तो यहाँ पे मेरा एमजी का प्रोडक्ट है। एमजी अब कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो था वो ऑलमोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं MG47 मेरा ये वाला है, MG2517S। हम इसे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, डाउनलोड कर लेंगे हम। डाउनलोड करने के बाद कुछ देर बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, तो वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ओपन फाइल मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, नहीं ये कुछ और ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमने ओपन किया इसे, ओपन करने के बाद इसे सिंपल आपने इंस्टॉल करना है और उसके साथ लिंक कर देना है आपने वेबसाइट के साथ, सॉरी प्रिंटर के साथ आपने लिंक कर देना है। तो यहाँ पर जब आप उसे कनेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके वेबसाइट या कंप्यूटर के ऊपर इस तरह का शो ऑफ होगा। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लिंक है यानी कि मैंने इंस्टॉल कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सारे के सारे प्रोसेस यानी कि जो भी इसका प्रोसेस